अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो हमारी वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 160 एंड 5 असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड का। ये पेपर है 2012 का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे जो भी अभी वीडियोस आ रही हैं वो दो तीन जो वीडियोस हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर्स के ही मुतल्लिक हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये जो 25 एमसीक्यूज़ हैं जो भी हम करने जा रहे हैं, पहले 25 एमसीक्यूज़ को जस्ट मैंने निशान लगा दिए हैं, ठीक है। हम इनको रीड आउट नहीं करेंगे, वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा हमारी इस फाइल का जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वहाँ से आप इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं अपने 26 एमसीक्यूज़ की तरफ। 25 तक मैंने आपको निशान यहाँ लगा दिए हैं, तो चलते हैं जी 26 एमसीक्यू, जिसमें वो हमसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, हु स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर लंच इन अ लीड मैच। लीड मैच के अंदर किसने जो है स्कोर किया था, सेंचुरी स्कोर की थी लंच से पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माजिद खान। नेक्स्ट वन है जी, पाकिस्तान स्कोर 130 रन अगेंस्ट इंग्लैंड इन फर्स्ट ओडीआई एट अबू धाबी ऑन 13 फरवरी 2012 एंड लॉस द मैच बाय द रन्स। तब भी पाकिस्तान मैच जो है वो हार चुका था 130 रन्स की एक हाई स्कोर के साथ। उसके बाद है हाउ मैनी बॉल्स आर यूज इन द गेम ऑफ स्नोकर, स्नोकर की गेम में कितनी बॉल्स यूज होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, स्नोकर की गेम के अंदर 22 बॉल्स होती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल की तरफ जाएं तो उसमें वाइट बॉल्स वाइट बॉल एक वाइट बॉल होती है, 15 जो है वो रेड बॉल्स होती हैं, और 1 येलो 1 ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड पिंक एंड ब्लैक, ये सारी एक एक इनमें बॉल मौजूद होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 29, विद विच स्पोर्ट मेटाडोर इज एसोसिएटेड, किस स्पोर्ट में मेटाडोर एसोसिएट होता है। तो बुल फाइटिंग के अंदर मेटाडोर एसोसिएटेड होता है। गूगल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेटाडोर वो पर्सन है जो कि बुल फाइटिंग के दौरान जो बुल है उसके साथ आप यूँ कह सकते हैं खेल रहा होता है, उसको उसके साथ फाइटिंग कर रहा होता है, उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। ये आपने मशहूर खेल लाजमन देखा होगा, ठीक है। बाकी रोइंग साइकिलिंग एंड योटिंग ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हेन प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी वाज इंडिक्टेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हुआ था 13 फरवरी 2012 में। व्हेन उसामा बिन लादेन वाज स्लेन, ये जो वर्ड स्लेन है ना इसका मतलब होता है मकतूल, ठीक है, कातिल, और एक होता है मकतूल। तो स्लेन मकतूल इन हिज कंपाउंड एट अब्दाबाद, अब्दाबाद के अंदर 2 मार्च, ठीक है, 2011 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सॉरी 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन जो था वो अब्दाबाद अकाउंट में से कंपाउंड में से मकतूल मतलब कत्ल किया हुआ पकड़ा गया या वहां से बरामद हुआ। नेक्स्ट वन है जी, नेटो एयर रेडिड सॉरी नेटो एयर रेडिड रेडार सलाला चेक पोस्ट किलिंग 24 सोल्जर ऑन द नाइट ऑफ। तो ये जो सलाला चेक पोस्ट किलिंग हुई थी ये हुई थी 25 और 26 की दरमियानी रात को 11/2011 में। उसके बाद है बेगम नुसरत डाइड, जो बेगम नुसरत थी वो डाइड कब हुई थी। तो बेगम नुसरत जो है ये डाइड हुई थी 23/10/2011। और अगर हम इसकी इनकी पैदाइश की बात करें तो ये पैदा हुई थी 23 मार्च 1929। तो मैं आपकी आसानी के लिए इस जगह मैं इसको राइट डाउन भी कर देता हूँ कि ये बोर्न हुई थी 23 मार्च 1929 को ये पैदा हुई थी 23 मार्च को, और 23/10/2011 को ये वफात पा गई थी। तो इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट जो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद है नेम द बिगेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बिगेस्ट बैरेज है वो सखर बैरेज है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। और हम इससे पहले किसी एक मॉडल पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सखर बैराज है इसका जो ओल्ड नेम है वो लियोड बैरेज है, ठीक है, लियोड बैरेज इसका ओल्ड नेम है। आसानी के लिए यहाँ पर मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ, इसका ओल्ड नेम जो कि है हमारे पास एल
आई ओ वाई डी बी ए डबल आर ए जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। व्हेन फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश, पहला जो टीवी स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान के अंदर वो 26/11/1964 को हुआ था। 26/11/1964। इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव द नोबल प्राइज़? नोबल प्राइज़ जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 में इनको मिला था, और ये इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने अपने दो साथियों से के साथ मिलकर इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी। ठीक है, इस थ्योरी के मुतालिक अगर हम मज़ीद जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि हम हमें सिर्फ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पीपीएससी एग्ज़ाम पूछा जाए हम उसको उतना ही मेंटेन रखें अपने एमसीक्यूज़ के अंदर, उतना ही लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इस थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं क्या थी कैसा थी, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर ईजिली अवेलेबल होगी। नेक्स्ट वन है जी, हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान के जो पहले क्रिकेट टीम के पहले जो कैप्टन थे वो हफीज़ करदार थे। हाउ मैनी डेजर्ट आर देयर इन पंजाब? पंजाब के अंदर जो है वो टू डेजर्ट हैं, अकॉर्डिंग टू गूगल ओवरऑल फाइव डेजर्ट हैं, और पंजाब के अंदर टू डेजर्ट हैं जो कि है थल एंड चोलिस्तान। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक है जी थल और दूसरा है चोलिस्तान, ये दो डेजर्ट हैं जो कि पंजाब के अंदर हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, व्हेन नैब वाज इस्टेब्लिश? नैब कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो जो नैब है ये इस्टेब्लिश हुई थी 16 नवंबर 1999। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसेबल पीरियड ऑफ फिजिकल रिमेन अंडर नैब ऑर्डिनेंस 1999? तो ओवरऑल ये 30 डेज थे। नेक्स्ट है, व्हेन इंडिया डिक्लेरेड MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन बाय द कैबिनेट? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन बाय कैबिनेट हुई थी 2/11/2011 को। नेक्स्ट है, व्हेन वुमेन प्रोटेक्शन बिल एंड एंटी एसिड थ्रोइंग बिल वाज पास्ड बाय द सेनेट? तो ये पास हुआ था 12/12/2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ नंबर 43, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय? तो विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, स्पीडोमीटर, ये जो स्पीडोमीटर होता है जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, स्पीड को चेक करने के लिए, किस चीज़ की स्पीड को? किसी भी कार की। अक्सर आपने देखा होगा रोड के ऊपर जो ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास एक मीटर होता है जिसके जरिए वो देख रहे होते हैं कि ये जो कार है